एक पेडेस्टल बना लिए, ठीक है। मान लीजिए मूर्ति है, ठीक है, ये पेडेस्टल है, ये मूर्ति है, मूर्ति है, पेडेस्टल है, लगी है भूमि के इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी, इसका लंबाई दे दिया है 1.6 मीटर, 6 मीटर दिया हुआ है। तो ऊंची मूर्ति लगे तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु है, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से देखें तो कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन होना गया है, हाँ हो गया। तो शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ पर बनाएंगे फिर, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ बोलता है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक इतना मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर तो हम बना ही दिए, 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और इसी बिंदु से ही हमको पेडेस्टल के शिखर का 45 है, तो 45 है और टोटल है 60। तो हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए पेडेस्टल के शिखर 45, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, देखिए ये भी ये है, देखिए टोटल को निकालेंगे और टोटल में से इतना टोटल को निकाल देंगे, ठीक है। टोटल को निकालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल के एच का मान रखेंगे तो आ जाएगा। हाँ पहले तो देखिए, पहले नामकरण कर दीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है, डी है, और डी और कुछ है, और कुछ नहीं ना है, ना है, तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले बड़का त्रिभुज ले लेंगे, मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई एच, पेडेस्टल की ऊंचाई एच, त्रिभुज कौन लेते हैं, बड़का वाला ले, ए बी डी में, ए बी डी में क्या क्या लगेगा बोलो, टैन कितना, 60 डिग्री, कितना लंब डी सी प्लस सी बी, आधार ए बी, ठीक है, आधार ये सब हो गया, और यहाँ पर एकदम सिंपल, एकदम इम्पोर्टेंट लगाते जाइएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम इतना अति से ना बताते, धीरे धीरे। टैन 60 डिग्री का वैल्यू 3, सी डी का वैल्यू, मूर्ति के सी डी का वैल्यू कितना है 1.6, सी बी का वैल्यू एच माने है ना, एच यहाँ पर पहले लिख लीजिए, पेडेस्टल की ऊंचाई लिखे हुए, सी बी का वैल्यू एच, ए बी का वैल्यू नहीं पता है, इसका भी वैल्यू पता नहीं, इसका भी वैल्यू पता नहीं, देखिए हो जाएगा। अब हम दूरी नहीं दिया है, तो फिर इसको करते हैं, फिर इसको अब क्या करें, छोटका में देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो टैन 45 डिग्री, एच का एच वैल्यू, और ए बी का ए बी, ठीक है, और टैन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एच ए बी। अब यहाँ पर देखिएगा, ए बी तीसरा तीसरी गुना किए, ए बी इक्वल टू एच, ये आया, इसका मतलब कि ए बी की जगह पर हम एच रख सकते हैं, एच के जगह पर ए बी रख सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर फिर देखते हैं, रखते हैं, तो यहाँ पर ए बी की जगह पर एच रखते हैं, एच रख दें, रख देते हैं, यहाँ √3, पहले तो यहाँ लिखेगा समीकरण 1 में एच एच बराबर ए बी, ए बी बराबर एच रखने पर, ए बी बराबर एच रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको एच चाहिए, इसलिए ए बी की जगह पर हम एच रख देंगे तो एच का मानना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर ए बी का मान रखते हैं, एच की जगह पर ए बी रखते हैं तो ए बी का मान निकलेगा, मतलब इसका मान निकलेगा, तब इसको सोल्यूशन करेंगे तब ही निकलेगा, इससे अच्छा कला ना हम ए बी की जगह पर एच रख दें और डायरेक्ट एच का मान हमको आ जाएगा, तो हमको बाद में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ट्रिक से, तो एच का मान रखते हैं तो √3 1.6 प्लस एच का वैल्यू एच, ए बी की जगह पर हम एच रख दिए, ठीक है, एच √3 6.6 प्लस एच, एच के इधर ले आते हैं, एच √3
और माइनस एच 6.1.6 और यहाँ पर रूट एच है तो एच कॉमन लेंगे, रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 1.6 और एच को उधर भेज देंगे 1.6 रूट एच इधर भेज देंगे और यहाँ से परमीकरण 1 माइनस रूट 3, ठीक है 1 माइनस रूट 3 रूट थ्री माइनस वन माइनस ना होगा, हाँ माइनस वन प्लस तो यहाँ पर रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री प्लस वन परमीकरण तो करना जानते ही हैं। और एच के वैल्यू यहाँ से 1.6 और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना में दोनों इतना होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे रूट थ्री माइनस प्लस वन और ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर है तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा तो इसे 2 आ जाएगा 1.6 रूट थ्री प्लस वन 2 कटती है तो कितना बच गया तो हमको बच गया 0.8 रूट थ्री माइनस वन प्लस वन। यहाँ पर ही देखिए यहाँ बच गया आ गया इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे 1.6 और रूट थ्री प्लस वन और यहाँ पर ही है 2 तो इसका इतना आएगा। इसको काटेंगे 1.16 को अगर 2 से काटते हैं तो 0.1 आता है और यहाँ पर ही रूट थ्री प्लस वन आंसर यही आंसर है ठीक है। डायरेक्ट निकाल दिया अगर ए बी का मान निकालते हैं तो हमको फिर से निकालना होता है इसलिए हमको जो मान है उसी मान को जो मान चाहिए उसी मान को कैसे जुगाड़ करके निकाल देंगे ठीक है। इस मेथड को याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। आज एग्जामिनर वह नहीं देखता देखता है कि सॉल्यूशन बनाया हुआ है कि नहीं देख लेता है बनाया हुआ है तो इसका आंसर मिल रहा है कि नहीं आंसर मिल रहा है भी तब आपको नंबर देगा। इन्हें देखा गया कि एक स्टेप छोड़ा इतना थोड़ी देखता है उसको इतना समझ में आएगा उसको देखते देखते बना लिए यहाँ भवन बना लिए यहाँ पर भवन मीनार है ये समझ लीजिए भवन है और ये मीनार है ठीक है। ये दोनों का पाद बिंदु है ये दोनों का पाद बिंदु है मतलब कि जड़ियाउठा है जड़ियाउठा जो होता है ना जड़ी वाला को ही पाद बिंदु तल बिंदु आधार बिंदु कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही सोच इसीलिए भाषा तो इसमें गड़बड़ाता है भाषा समझ लीजिए आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग सम हो गया। तो यहाँ पर ये एक पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री भवन है ये भवन मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है बोलिए कितना बनता है 30 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण और यहाँ बोला है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यहाँ से यहाँ मीनार इतने को रखते हैं कितना है 60 डिग्री बन गया तो 60 यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है इसका जो ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर ऊंचा दिया है ठीक है तो ऊंचे भवन की ऊंचाई ज्ञात करें तो हमको यहाँ इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या मानते हैं पहले तो मान लेते हैं पहले तो हमको मीनार वाला दिया है तो ए बी सी डी ठीक है यहाँ पर मानते हैं क्या भवन पहले क्वेश्चन नंबर क्या है पहले ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नौ बोल रहा है भवन माना यहाँ पर लिखेगा माना कि भवन की ऊंचाई एच तो पहले हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब कि भवन और मीनार की आधार उभयनिष्ठ है ना उभयनिष्ठ है तो इस दोनों का समान होगा इसका भी आधार समान होगा तो यहाँ पर हम इसका पहले आधार निकालते हैं त्रिभुज सी ए बी में हम ठीक से लिख देते हैं ABC में क्या लिखें टैन क्योंकि लंब है आधार टैन कितना डिग्री का मान बोलो 60 डिग्री का मान क्योंकि यहाँ से इसका ABC त्रिभुज इस त्रिभुज में हम काम किए हैं तो 60 डिग्री है ना इसका यहाँ से देखें तो 60 डिग्री तो कितना लंब BAB लिखते हैं AB और AC 60 डिग्री का मान रूट थ्री AB का मान 50 दिया हुआ है और हमको AC का मान चाहिए ना तो हमको क्या है AC का मान कितना है 50 रूट थ्री आ गया समीकरण मान लिख दिए
हमको मान चाहिए ये वाला, तब हम इसको इसका मान निकल गया, अब इसका मान से निकालते, इस मान से ये निकल जाएगा, अब निकालते हैं क्या त्रिभुज कितना ए सी डी में क्या टेन कितना बोलिए 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, लंब कितना है सी डी, आधार कितना है सी ए, इसको सॉल्व करते रहिए, सॉल्व कर लेंगे छोड़ दें, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 1/√3 सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू एच दिया हुआ है, एच माने हैं एच इसी का मान निकलना है, और सी ए का वैल्यू कितना है, सी ए का वैल्यू 50√3 इतना है। अब इसको उछाल का ऊपर कर देते हैं क्योंकि एच के बटा में 1 है और एच के बटा में 1 है और इसके बटा में जो √3 50 के बटा में √3। अब इसको करते हैं यहाँ से सोल्यूशन, तो क्या आएगा 1/√3 और इसको करते उछालते हैं तो वो बाई एच गुने √3/50 ऐसे ना होगा, अब इसको 1/√3 और एच √3/50 इसको तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 50 इक्वल एच √3/√3 उछाल का भेज दिए तो √3 और यहाँ √3 हो गया और यहाँ पर ही इसे यह होगा यहाँ 50 के 50 और यहाँ पर ही √3 से यहाँ पर फिर एक प्रोसेस देख लेते 50 और एच और √3 से √3 दो √3 मिलकर कितना बनेगा 3 बनेगा, 3 नीचे आ गया यहाँ पर ठीक है एच। अब यहाँ पर ही लिख देते हैं एच इक्वल टू, इसको इधर लिख दिए अच्छा लगने के लिए, इधर लिखें एच इक्वल टू 50√3 आंसर, 50 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, भाग दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया, चाहे नहीं दीजिए हम ऐसी ना मिले आंसर तो भाग दीजिए, 3 × 1 और 2 × 0 3 × 6 = 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 नहीं आएगा 1 × 3 = 2 = 0 6 आएगा समथिंग, इतना पॉइंट समथिंग समझ लीजिए 6 आएगा ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इसी तरह से सॉल्व करते जाइए और आंसर लाते जाइए ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको यह जो बताया गया है क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक, नहीं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दो यार क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो वीडियो आपको यह समझ में आ गया होगा, इसको अभी जो क्वेश्चन जो है ना, इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं सीखे हैं तो बार बार वीडियो को देखिए जरूर आपको आ जाएगा। हमारे अपने तरफ से तो कोशिश किए हैं 100% देने का, आप अपने तरफ से कितना प्रतिशत देते हैं आप पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।